सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में जो है कुछ एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने वाली जिसका कि इंतजार आप काफ़ी सालों से कर रहे हो, लगभग 3 से 4 साल से। एंड इस बाइक का जो है फाइनली अपडेट आ चुका है। फाइनली जो है कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो जो है अपनी इस बाइक को इंडियन मार्केट में लेके आने वाली है, वो भी 2021 में। सो कौन सी बाइक है उसके बारे में आपको बता दूँ। सो गाइस, ये बाइक है TVS की तरफ से जैपलिन जो है काफ़ी दिनों से जो है वेटिंग में चल रही है। इसकी जो है कोई भी टेस्टिंग वगैरह पे कुछ भी जो है लीक नहीं हुआ, सिर्फ जो है रूमर्स लीक होते थे, लेकिन फाइनली जो है कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो जो है इंडियन मार्केट में अपनी जैपलिन को लॉन्च करेगा, वो भी लगभग 300 से 350 सीसी के बीच में। सो यहाँ पे जो है 220 सीसी में इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। एंड ये जो है TVS की पहली क्रूजर बाइक होने वाली है जो कि डायरेक्ट टक्कर देने वाली है आपकी इंडियन मार्केट की क्रूजर बाइक्स को। सो यहाँ पे जो है गाइस, आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो, बिकॉज इस बाइक में आपको वो फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको उन बाइक्स में कभी भी नहीं मिलेंगे जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अपनी मार्केट बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लासिक 350 वगैरह, मीटियोर 350 वगैरह, हाइनेस वगैरह। सो इनसे जो है लगभग 1 से 2 कदम ये ऊपर ही मिलेगी फीचर्स के मामले में एंड जो है प्राइसिंग के मामले में भी। सो ये जात जो इसी के बारे में बात करेंगे, कभी इंडियन मार्केट में आपको देखने मिलेगी, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग होने वाली है एंड क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बोल देता हूँ कि ये जो है कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वो जो अपनी TVS जैपलिन को इसी साल में लॉन्च करेगी, वो भी 2 मॉडल्स में, जैपलिन एंड जो है जैपलिन आर में जो है कुछ आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको थोड़ा सा और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में जो है लुक्स के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में बता दूंगा। इस यहाँ पे जब ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था इसको, उस टाइम पे जो है 220 सीसी को शोकेस किया गया था, लेकिन अभी जो है आपको 220 सीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट में जो है कोई मार्केट ही नहीं है क्रूजर बाइक में 200 सीसी या फिर 220, मतलब 300 सीसी के बाद में जो स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे जो है 220 सीसी आपको नहीं मिलेगा, इस बाइक में जो है आपको लगभग 300 से 350 सीसी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रूमर्स जो है 350 सीसी बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ स्पेक्स भी लीक हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इस बाइक में आपको 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI लिक्विड कूलिंग इंजन मिलेगा, जिसमें कि आपको लगभग 28 bhp तक की पावर मिल जाएगी जो कि इसको काफी अच्छी एक परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड यहाँ पे आपको 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल आपको बाइक काफी अच्छी देगी, 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाएगा, उसके अलावा जो है आपको 30-35 तक की माइलेज मिल जाएगी, लगभग जो है 140 से 150 तक की हाई स्पीड भी मिल जाएगी। सो ये सब जो है बाइक आपको दे सकती है। उसके अलावा बात करूँ लुक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है काफी यूनिक लुक होने वाला है, जो कहते हैं ना कि फुल क्रूजर वाला आपको जैपलिन मजा देने वाली है, जो कि आपको मीटियोर भी नहीं दे सकती एंड जो है हाइनेस भी। सो यहाँ पे जो है वो लुक्स आपको देगी जो कि आपने आज तक इंडियन मार्केट में नहीं देखा एंड जो है रोड पे अलग ही प्रेजेंस ये बनाने वाली है, एक आई कैची लुक होने वाला है, हर कोई जो है मुड़ के जरूर देखा इस बाइक को, क्योंकि इस बाइक का जो है लुक्स ही कुछ ऐसा होने वाला है। हो सकता है गाँव में यदि आपने बाय कर ली, मतलब गाँव एरियाज में, सो वहाँ तो आपको हर बंदा ही पकड़ पकड़ के पूछे कि भाई कौन सी बाइक है, कितने की लीक, क्या माइलेज देती है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं यदि मैं भी अपनी बाइक को लेके निकलूं तो जो होते हैं, मतलब भाई गांव टाइप के, वो जो ही यही कुछ पूछते हैं कि भाई कितने के लिए, क्या प्राइस है, क्या माइलेज, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछते। बाकी बात करूँगा इसके फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन मिलेंगे जो कि सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलते, ना ही हाइनेस में मिलते हैं आपको और ना ही मीटियोर में मिलते हैं। उसके अलावा जो आपको रियर में मोनोशॉक जो कि आपको ना ही हाइनेस में और ना ही मीटियोर में, सो सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी अलग होने वाला है एंड काफ़ी जो है कम्फर्ट आपको देने वाला है। उसके अलावा जो है फ्रंट में आपको फुली LED हेडलाइट मिलेगी, उसी के साथ में जो है DRL मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ जो इसका R मॉडल होने वाला है उसमें जो है आपको LED में पूरा लाइटिंग सिस्टम देखने मिलेगा, जो इसका ओनली जैपलिन जो मॉडल होगा उसमें जो है शायद आपको हेलोजन में देखने मिले, बाकी जो है कुछ कंफर्म नहीं है, दोनों में भी आपको LED भी मिल सकती है, बट जो रूमर्स है उनके अकॉर्डिंग जो है यही बताया जा रहा है। उसके अलावा बता दूंगा इस LED इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको, LED टेल लाइट मिलेगी, तो लाइटिंग सिस्टम जो है ओवरऑल आपको LED में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बता दूंगा इसके डिस्क ब्रेक वगैरह के बारे में, ABS वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको फ्रंट एंड रियर में जो है आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, उसके अलावा जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा जो कि फ्रंट में भी ABS एंड जो है रियर में भी। सो ब्रेकिंग सिस्टम भी जो आपको काफी अच्छा मिलेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट सेगमेंट में हर बाइक में देखने को मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS, सो वो जो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है टायर्स के बारे में बात करूं, तो फ्रंट में जो आपको 110/70 17 इंच के टायर एंड रियर में जो है आपको 140/70 15 इंच का टायर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कंपनी जो होने वाली टायर्स की वो होने वाली है पिरेली, सो यहाँ पे जो है टायर आपको काफी अच्छी कंपनी के मिलेंगे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस वो आपको देंगे हाईवे वगैरह पे। उसके अलावा आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जो इसका ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था मॉडल, उसमें जो है सेमी डिजिटल
मॉडल था और वो जो है मतलब नॉन वर्किंग था, मतलब इतने कुछ मतलब नॉर्मली वो बना रखा था, उसमें जो है ज़्यादा कुछ फीचर्स भी नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ ऐसे ही शोकेस के लिए दिया गया था। लेकिन जब ये इंडियन मार्केट में आएगी उसमें जो है आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके सारे वही फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली आपको TVS की बाइक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, उसके अलावा जो है आपको नेविगेशन वगैरह फीचर मिल जाएगा जो कि मिलेगा ही 101% बिकॉज मीटियोर में भी आपको मिल जाता है और जो है हाईनेस में भी। सो ये तो आपको मिलेगा ही। राइडिंग मोड्स आपको इस बाइक में मिल सकते हैं जो कि इस बाइक को फर्स्ट इन सेगमेंट बना सकते हैं, जैसे कि अपाचे 200 को बनाया है TVS ने। सो ये फीचर्स तो दे ही सकती है कंपनी। उसके अलावा जो है बेसिक फीचर्स जैसे कि गियर इंडिकेटर्स वगैरह, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, ये सब जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो फीचर्स की जो है कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी इस बाइक में। उसके अलावा जो है आपको बेल्ट ड्राइव का ऑप्शन मिल सकता है इस बाइक में, बट जो है इंडियन मार्केट में शायद आपको चैन ड्राइव ही मिले, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे जो है 20 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है 20 लीटर। सो 20 लीटर जो है काफ़ी ज़्यादा होती है यदि आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह करते हो, सो यहाँ पे जो है लॉन्ग राइड्स पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जो आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिलता है इस बाइक में, यहाँ पे आपको बता दूँ सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती, इस बाइक में जो है आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगी। आपको बता दूँ 725 mm की सीट हाइट इस बाइक की मिलेगी, जो कि इजिली लगभग जो है 5 फीट का बंदा भी जो है इसको इजिली राइड कर पाए। सीट हाइट जो है काफी कम होने वाली है, सो यहाँ पे जो है छोटी हाइट वालों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दूं 168 kg का जो है वेट होने वाला है। यहाँ पे जो है ओवरऑल बाइक में फीचर्स की या फिर लुक्स की कोई भी आपको कमी नहीं लगेगी, सिर्फ कमी है तो इसकी लॉन्च डेट की, कि लॉन्च डेट कब कंफर्म होगी। मंथ तो जो है कंफर्म हो चुका है कि फरवरी या फिर मार्च में लॉन्च हो जाएगी, मार्च से पहले पहले जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन वेट है सिर्फ इसकी लॉन्च डेट का। और जैसे ही इसका लॉन्च होगा अपने चैनल पे जो है लाइव इसका लॉन्च आपको देखने को मिलेगा, सो उसके लिए जो है सब्सक्राइब कर लेना, वो भी जो है काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बता दूँ लगभग जो है 1.50 से 1.60 लाख तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस होने वाली है। जिन फीचर्स के साथ में बाइक आने वाली है उस प्राइस में जो है शायद ये बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। सो यहाँ पे जो है आप इस बाइक के लिए वेट जरूर करना। ऑन रोड जो है लगभग ये 2 लाख रुपीज से नीचे चाहिए आएगी। सो मीटियर और हाइनेस से जो है सस्ती ये बाइक होने वाली है। सो आप इस बाइक के लिए वेट करो, कोई भी नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड आपको बताना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए, वहां पे जो है मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। यदि आपके कोई डाउट्स भी है तो भी आप जो है वहां पे क्लियर कर सकते हो। बाकी गाइस इसके अलावा जो है कुछ और अपडेट नहीं है इस बाइक का, ना ही कोई लीक्ड इमेजेस है। सो यहाँ पे जैसे लीक्ड इमेजेस आएंगी उनके साथ में जो है आपको हर अपडेट देने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो है इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। बाकी मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Even when you're out of focus, I will be the light in your life, your sick glare. I'll be your inspiration.